नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 मार्च 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल उन्नत भारत अभियान 2.0 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एचआरडी मिनिस्टर ने यह दावा किया कि उन्नत भारत अभियान गांव में यानी विलेजेस में लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहा है। क्या ये उन्नत भारत अभियान? ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप स्कीम्स या फिर देखो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम होते हैं जो मेन या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के द्वारा मेजर नेशनल कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इरीगेशन, अर्बन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट या फिर इनसे संबंधित दूसरे सेक्टर्स। चूँकि फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, तो इन स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग दूसरे स्कीम्स की अपेक्षाकृत थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लैगशिप स्कीम्स के, जैसे मनरेगा स्कीम या फिर इंदिरा आवास योजना। देखो, ये जो लाइनें हैं बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं हैं। जैसे मनरेगा स्कीम है, यूपीए के कार्यकाल के दौरान ये फ्लैगशिप प्रोग्राम हुआ करती थी, लेकिन आरोप लगता है अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो मनरेगा को कम पैसा देती है। बट एक एसेंस समझने के लिए है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम या फिर स्कीम्स कौन सी होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको सरकार ज़्यादा तवज्जो देती है। हम बात कर रहे थे उन्नत भारत अभियान की। देखो, ये जो प्रोग्राम है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जोड़ता है विलेजेस से। कैसे? मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे को बोला जाएगा कि आप 5 विलेजेस को अडोप्ट कर लीजिए। तो आईआईटी बॉम्बे ने 5 विलेजेस को अडोप्ट कर लिया, तो उसके बाद आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स, आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टीज उन 5 विलेजेस में विजिट करेगी, विलेज लाइफ से परिचित होगी, स्टूडेंट्स को जानने का मौका मिलेगा कि गाँव के लोगों के द्वारा डेली बेसिस पर किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स और फैकल्टीज विलेजेस की हेल्प करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स गांव में गए जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसका नाम है रामपुर। रामपुर में उन्होंने देखा पीने के पानी की काफ़ी समस्या है, तो स्टूडेंट्स या फिर फैकल्टीज जो हैं या तो देखो कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आएंगे ताकि रामपुर गाँव में पीने की पानी की समस्या को ख़त्म किया जा सके, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी एग्जिस्ट करती है जिसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है वहाँ पर, उस टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे, उसे इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे। इवन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं उनका भी स्मूथली इंप्लीमेंटेशन हो सके गांव में, इस तरफ भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज इस अभियान में। समझ गए अब उन्नत भारत अभियान क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊँ तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है कि आप 5 गांव अडोप्ट कर लीजिए और बाद में उन गांव की आप मदद कीजिए इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट में। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फैकल्टीज और स्टूडेंट्स जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, वो गांव में डेवलपमेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या तो नई इनोवेशन लाके या फिर एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। ये तो हमने उन्नत भारत अभियान के बारे में जान लिया, अब उन्नत भारत अभियान 2.0 के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, सेम वैसा ही ये अभियान है जैसा 1.0 था। आप इसे अपग्रेडेड वर्जन ऑफ उन्नत भारत अभियान 1.0 कह सकते हो। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। नया क्या हुआ इस अभियान में? देखो, 2.0 में ये जो अभियान था वो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक्सटेंड कर दिया गया। शुरुआत में लिमिटेड था, मतलब सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस अभियान में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन 2.0 में ये अभियान सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन हाँ, क्रिटेरिया ज़रूर रखा गया। क्रिटेरिया में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का विलेज से एंगेज करने का, फैकल्टी इनफ हो, ऑब्जेक्टिव्स के प्रति डेडिकेटेड होनी चाहिए फैकल्टी। ये कुछ क्रिटेरियाज हैं जिसके आधार पर किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का चयन होता है इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए और विलेजेस को अडोप्ट करने के लिए।
अभी तक देखो इस स्कीम में 13,072 विलेजेस को एडोप्ट किया जा चुका है 2,474 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें मदद की जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ के द्वारा गांव की, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, आर्टिसंस इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड, बेसिक एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज और रूरल एनर्जी सिस्टम। क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, एम क्या है उन्नत भारत अभियान का, तो काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, बी आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नैनो कंपोजिट कोटिंग से संबंधित है। देखो एरोस्पेस में, डिफेंस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में मिसाइलें बनती हैं, रॉकेट बनते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है और उन मशीनों में जो टूल्स होते हैं उनमें काफ़ी वियर एंड टीयर हो जाता है। मतलब जब मशीन चलती है तो देखो मशीन में जो पुर्जे लगे हुए होंगे, पुर्जे आपस में भिड़ेंगे, फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो इससे काफ़ी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, एफिशिएंसी कम आती है। लेकिन अब इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जरी एंड न्यू मटेरियल्स यानी ARCI में रिसर्चर्स ने फ्रिक्शन रिड्यूसिंग नैनो कंपोजिट कोटिंग को डेवलप किया है। नैनो कंपोजिट मटेरियल की कोटिंग का अगर हम इस्तेमाल करेंगे इन सेक्टर्स में मशीन्स के ऊपर, तो फिर फ्रिक्शन कम होगा। ये जो कोटिंग है ये देखो निकल टंगस्टन बेस्ड कोटिंग है जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड सब माइक्रोन पार्टिकल्स का भी इस्तेमाल होगा। तो इस नैनो कंपोजिट कोटिंग के इस्तेमाल करने से इन सेक्टर्स में मशीनों में वियर एंड टीयर कम होगा, फ्रिक्शन कम डेवलप होगा, एनर्जी कम वेस्ट होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नैनो कंपोजिट कोटिंग के बारे में। ये पूछा जा सकता है कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होगा इस कोटिंग से, क्या इस कोटिंग से फ्रिक्शन कम होगा ये पूछा जा सकता है, कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने ये कोटिंग डेवलप की ये भी पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन कल्चर पोर्टल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में ये पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियन कल्चर पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद ये है हम हमारी रिच और डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को पूरी दुनिया को शो कर सकें। देखो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है काफ़ी ज़्यादा रिच है, चाहे बात कर लीजिए टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कोई मूर्ति है या कोई स्कल्चर है, और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो हेरिटेज जिसे हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल डांस, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। तो दोनों प्रकार की जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हम इस पोर्टल पे यानी वेबसाइट पे डालेंगे, तो वर्ल्ड में जो लोग मौजूद हैं चाहे किसी भी देश में हों उनको इंडिया की सभ्यता के बारे में पता लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे कल्चर को एक्सपीरियंस करने इंडिया में आएंगे, इंडिया के कल्चर के बारे में ज़्यादा जागरूकता भी फैलेगी। तो इस वेबसाइट पे रेयर बुक्स, ई बुक्स, मैनुस्क्रिप्ट्स, आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम म्यूजियम्स, वर्चुअल गैलरीज, आर्काइव्स, फोटो आर्काइव्स, गैजेट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें डाली जाएंगी इस पोर्टल पर। पेंटिंग्स, क्लासिकल आर्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, समझ गए। एक और चीज़ देखो, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट है, कौन से मिशन के अंदर आता है ये प्रोजेक्ट? नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, ये आता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जैसे IIT बॉम्बे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। विजन इस प्रोजेक्ट का ये है हमारी सारी कल्चरल हेरिटेज से संबंधित इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज करना, मतलब हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है कल्चरल हेरिटेज से संबंधित वो डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि पूरे वर्ल्ड में उस हमारी कल्चर से हेरिटेज से संबंधित इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट में इंडिया के कल्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, डिजिटलाइज किया जाता है, एक स्थान पर स्टोर करके रखा जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया
इंडियन कल्चर पोर्टल से संबंधित, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गूगल की सब्सिडरी वेरिली के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में इस वेरिली कंपनी ने COVID-19 की स्क्रीनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए पायलट बेसिस पे एक वेबसाइट को लॉन्च किया। अभी पूरे वर्ल्ड में ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। USA के स्पेसिफिक एरिया में लोगों के लिए ये वेबसाइट अवेलेबल हुई है, जिसकी सहायता से COVID-19 की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जा सकती है। हम बात करें वेरिली के बारे में, ये कंपनी लॉन्च की गई थी 2015 में और ये गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की सब्सिडरी है। समझ गए, गूगल, यूट्यूब, जीमेल, इन सब की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट, और अल्फाबेट कंपनी की सब्सिडरी है ये वेरिली कंपनी, जिसने पायलट बेसिस पे COVID-19 की स्क्रीनिंग करने के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया है। एम क्या है? एम देखो इस वेरिली कंपनी का ये है, वर्ल्ड के हेल्थ डेटा को इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग ज़्यादा स्वस्थ रहें और लोगों की जो एज है वो लंबी हो। इस कंपनी के द्वारा ऐसे टूल्स और डिवाइसेस को डेवलप किया जाता है जिनकी सहायता से हेल्थ डेटा को इस्तेमाल किया जा सके, हेल्थ डेटा को एक्टिवेट किया जा सके, ताकि डिजीज को मैनेज करने में समय रहते इंटरवेंशन की जा सके। समझ गए, मतलब इस कंपनी का एम ये है, हेल्थ डेटा का इस्तेमाल करके ऐसे टूल्स डेवलप किए जाएं जिनकी सहायता से डिजीज को मैनेज किया जा सके और डिजीज को मैनेज करने में नई नई इंटरवेंशन की जा सके। इनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बेसलाइन, जिसको वेरिली कंपनी ने 2017 में लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का एम ये है, रिसर्च और केयर के बीच गैप को कम करना। सिंपल भाषा में बात करें, आज के समय में ऐसी रिसर्च को प्रमोट करना जिससे और अच्छे से केयर हो सके ह्यूमन बींग्स की, ये मकसद है इस प्रोजेक्ट का। समझ गए, मतलब उस टाइप की रिसर्च को प्रमोट करना जिससे और बेहतर केयर हो ह्यूमन बींग्स की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल SIRT1 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट ने हाल ही में ये पाया कि ग्लूकोज जो है वो SIRT1 के फंक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं ये SIRT1 क्या है। ये देखो एक एंजाइम है जिसे NAD डिपेंडेंट डी एसिटिलेज सर्टुइन 1 के नाम से भी जाना जाता है। सर्टुइन यानी साइलेंट मेटिंग टाइप इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 2 होमोलोग। ये देखो जार्गन्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। करता क्या है ये SIRT1 एंजाइम? ये देखो उन प्रोटीन को डी एसिटेट करता है जो सेल्स रेगुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ ये लाइन, ये एंजाइम जिसके बारे में अभी हमें डिस्कस कर रहे हैं SIRT1, ये उन प्रोटीन्स को डी एसिटिलेट करता है जो सेल्स की रेगुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, इसका क्या मतलब है डी एसिटिलेट का? इसका मतलब देखो ये है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिल ग्रुप को रिमूव करना, ये मतलब है डी एसिटिलेट का। अब देखो इस स्टडी से संबंधित और डिटेल्स डिस्कस करें। अगर शॉर्टेज हो जाए या फिर SIRT1 एंजाइम पे ग्लूकोज का कंट्रोल ना हो तो इससे डायबिटीज हो सकती है। बैलेंस इस्टाब्लिश करने के लिए ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म के बीच SIRT1 प्रोटीन लेवल जो हैं वो बढ़ जाते हैं जब आप फास्ट कर रहे हो, मतलब कुछ खा नहीं रही हो, और SIRT1 प्रोटीन लेवल जो हैं वो कम हो जाते हैं नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में अगर आप रेगुलर रूप से खाना खा रही हो। और इसके बाद देखो ये बोला जाता है आर्टिकल में, फीड स्टेज में यानी खाना खाने के दौरान ग्लूकोज जो है वो SIRT1 एंजाइम की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन अगर SIRT1 एंजाइम की एक्टिविटीज़ पर
ग्लूकोज का कंट्रोल खत्म हो जाए और इससे SIRT1 इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है फास्टेड स्टेट में। हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक प्रकार से डायबिटीज़ है। ये हमने बात की फास्टेड स्टेट में, मतलब खाना जब कोई कम खाता है। और बात करें कॉन्स्टेंट फीडिंग या फिर हाई कैलरी इनटेक की, जब कोई लगातार खाता है, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा कैलरीज कंज्यूम करता है, तो ऐसी सिचुएशन में SIRT1 का जो लेवल है वो कम हो जाता है और इससे जल्दी उम्र बढ़ती है, मतलब बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, मोटापा आ जाता है। समझ गए, मतलब ग्लूकोज का कंट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है SIRT1 पे, तो इससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और इससे हो जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज़। और अगर कोई ज़्यादा, ये हमने बात की फास्टेड स्टेट की, जब कोई कम खाता है और ज़्यादा खाता है, ज़्यादा कैलरीज कंज्यूम करता है, तो ये जो लेवल है SIRT1 एंजाइम का ये कम हो जाता है, इससे बुढ़ापा आता है और मोटापा आता है। वैसे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा डीप में था, थोड़ी कम संभावना है इतने डीप में जाकर UPSC क्वेश्चन पूछे गई। क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, ये SIRT1 क्या है, ये एंजाइम है, किससे संबंधित है, इस प्रकार के बेसिक फैक्ट्स UPSC के द्वारा पूछे जा सकते हैं साइंस एंड टेक में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।